नमस्कार, मैं डीसी करीमगंज बोल रहा हूँ। और आपको सबको पता है, ये हमारा कोरोना वायरस जो COVID-19 के ऊपर हम लोग जो स्टेप्स लिया गया है, जो आज जनता कर्फ्यू हुआ 22 मार्च 2020 का, हमारा देश का प्रधानमंत्री ने इसको रिक्वेस्ट किया जनता कर्फ्यू करने के लिए, सुबह से 7 बजे से इवनिंग 9 बजे तक था। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और एक फर्वेंट अपील है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दैट कल सुबह 8 बजे तक ये कर्फ्यू को कंटिन्यू करें। और हम सोच रहे हैं, जैसे हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में जो डाला है कर्फ्यू के लिए 144 के लिए, हम उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। एंड आप लोग बाकी चीज़ जो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स है उसको फॉलो करें। एंड इसको को आपको सब पता है, ये थोड़ा सा डेंजरस वाला सिचुएशन है, सो प्लीज़ इसको सीरियसली लें। और कोई जनता बाहर ना आए, रास्ता में जनता नहीं आना चाहिए, एंड इसको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। एंड कल सुबह 8 बजे तक आप लोग अंदर ही रहें, और कल 144 लग जाएगा। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा कोई दुकान वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, मॉल्स वगैरह, कोई दुकान बंद नहीं होगा। फार्मेसी का दुकान बंद हो सकता है, मेडिकल शॉप्स बंद, फार्मेसीज खुला रहेगा, सॉरी मेडिकल शॉप्स खुला रहेगा, और हॉस्पिटल्स और एसेंशियल सर्विसेज, जो मेनली इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो खुला रहेगा। अदरवाइज बाकी चीज़ कल बंद करेंगे हम, थोड़ा 3-4 दिन के लिए, बिकॉज ये बहुत सीरियस सिचुएशन में है हम। एंड इसको हमारा करीमगंज का वासी मतलब प्लीज़ इसको समझें, एंड इसको पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। आप लोग को पता है हम फेसबुक में इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन ये आज इसलिए लाइव में आके आप सबको हम बोल रहे हैं, दैट सबको बोलने के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब इसका सीरियसनेस आप समझ लीजिए, एंड इसको थोड़ा अच्छा सा फॉलो करिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।